अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो राज और वो अहम वाक्या, मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम वाक्या जिसने मुझे एक अच्छा होम्योपैथ बनाने में मदद की, आज वो वाक्या आपको सुनाने लगा हूँ। होम्योपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथी कैसे काम करती है, ये चीज़ नेचर ने मुझे गाइड की और उस गाइडेंस की वजह से मैं एक कामयाब होम्योपैथ बन सका। ये वाक्या कोई भी ध्यान से और पूरा सुनेगा तो उसे क्लियर हो जाएगा कि आजकल बीमारियां ज़्यादा क्यों हैं, और जब हम कुदरती तरीकों पर चल रहे थे तो उस वक्त बीमारियां ज़्यादा क्यों नहीं थी। आजकल कैंसर की लहरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी लिवर सिरोसिस हो रहे हैं, इतनी इतनी ख़तरनाक और बड़ी बड़ी बीमारियों का दौर दौरा है। जबकि आज से 50 साल थोड़ा पीछे जाएं तो बीमारियों का कोई रिवाज ही नहीं था, और अगर कोई बीमारियां थी भी तो वो बहुत सादा, कोई हज़ारों केसेस में कोई एक आध केस होता था जिससे हम कहते थे कि वो ख़तरनाक है। नॉर्मली आम छोटी छोटी बीमारियां थी और उनका हल हो जाता था। तो आए दोस्तों, मैं आपको उसी वाक्य की तरफ ले चलता हूँ जिसने मुझे एक अच्छा होम्योपैथ बनाया, और अगर आप होम्योपैथ हैं तो इस वाक्य को ज़रूर सुने, और अगर आप होम्योपैथ नहीं हैं तो तब भी पूरी तवज्जो से पूरी वीडियो देखें ताकि आपको शफा के कुदरती अमल का पता चले कि कुदरती तौर पर शफा याबी होती कैसे है। ये मतलब 1997-98 की बात है, तब मैं प्रैक्टिकली होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं करता था। होम्योपैथी स्टडी मैंने काफ़ी की हुई थी, फिलासफी सारी जानता था। तो 97-98 में कुदरत ने मुझे एक वो नज़ारा दिया जिसने मुझे एक पक्का सच्चा फर्म कन्फर्म होम्योपैथ बना दिया। मैं लाहौर में अपने क्वार्टर पर स्टडी करता था, उन दिनों CSS की तैयारी कर रहा था, कुछ और बड़े एग्ज़ाम थे जिनकी मैं तैयारी में मसरूफ़ रहता था, तो ऑलमोस्ट सारा दिन मेरा उधर ही गुजरता था। इवनिंग में कुछ एक दो जगह पढ़ाने जाता था, सारा दिन क्वार्टर पर ही गुजरता था। अब क्वार्टर पर मैं अकेला होता था, मैं सेन में बैठकर खाना खा रहा था कि दीवार की दूसरी जानब, जो दूसरी जानब क्वार्टर है, वहाँ से किसी ने ऊपर झांका, मेरी तरफ देखा, आंखें बहुत प्यारी थी, मैंने पॉजिटिव इशारा दिया कि मैं कोई ख़तरनाक आदमी नहीं हूँ, तो उसने दीवार से थोड़ा सा और ऊपर झांका और आहिस्ता सा कहा, म्याऊं। मुझे समझ लग गई कि शायद वो इजाज़त चाह रही है कि वो मेरी तरफ आ जाए, तो मैंने उसे इशारा किया कि आप आ जाएं, मेरी तरफ आ जाएं। वो दीवार पर चढ़ी, साथ छोटा सा आम का पौधा था, उससे फलांगती हुई वो नीचे आई और मेरी सेन में उतर गई। मैं खाना खा रहा था, खीर थी बनाई हुई थी अपने लिए, उस खीर को मैंने बर्तन में डाला और उस बिल्ली को दे दी। बहुत प्यारी थी, आंखें उसकी बड़ी प्यारी थी, ब्लैक कलर की थी, और उसका आना जाना दीवारों से गुजरना ये काफ़ी अरसे से उससे मैं मानूस था, मगर ये पहली बार थी कि आज वो मेरे सेन में आई थी और मेरे साथ वो खाना भी खा रही थी। 2-3 दिन ऐसे सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन वो आई, मैंने उसे खाना दिया, उसने खाना खाया, और उसके बाद फिर कहती है, म्याऊं। जैसे अब ना हमारा तल्लक और वो कुर्बत बढ़ गई थी, तो और साथ ही उसने जैसे मतलब इशारा होता है कि वो चारपाई के ऊपर आना चाह रही है जिस पर मैं बैठकर स्टडी कर रहा था, उसने इस तरह का इशारा दिया, तो मैंने कहा चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऐसे इसमें कौन सा हर्ज है। वो उठी, जंप किया, उसने चारपाई पे आई और बैठ गई, मेरे सामने बुक थी, मैं बुक स्टडी कर रहा था, वो मेरी गोद में आ गई, मैंने उसे हल्का हल्का उसके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू कर दी और मैं अपनी साथ स्टडी कर रहा था। जैसे जैसे मैं उंगलियां फेर रहा था तो अचानक मेरी उंगलियां एक जगह रुक गई, उसकी स्किन खुरदरी थी। स्किन खुरदरी होने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि जैसे पीपनुमा कोई चीज़ मेरी उंगलियों से टच की है,
तो मैं जल्दी से मैंने उसकी स्किन को देखा। अब दूर से तो बाल उसके सारे ब्लैक थे और खूबसूरत भी थे, मगर जब मैंने करीब से देखा, उसकी स्किन का मुआयना किया, तो उसकी सारी स्किन उखड़ी हुई थी। उस पर पीपदार आंवले निकले हुए थे, जगह जगह से स्किन फटी हुई थी, क्रैक्ड इरप्शंस, और बाल जो हैं आधे ऐसे लग रहा था कि जैसे आधे उसकी बॉडी से गायब हो चुके हैं, आधे बाल बाकी बचे हैं, और वो भी रूखे सूखे। अब ये एक क्राहत वाला सीन था कि वो बिल्ली जिसकी स्किन इतनी ख़राब है, पीपदार है, वो मेरी गोद में बैठी है और मैं उसकी उंगलियों बालों में उंगलियां फेर रहा हूँ। तो मैंने जल्दी से कराहत में आकर ना उसे यानी धक्का दिया और नीचे उतार दिया। अब जब नीचे उतारा है तो वो मतलब एक बार तो हैरान हुई कि पहले मैं थोड़ी देर पहले इतना प्यार कर रहा था, अब उसके बाद मैंने उसे डराया धमकाया कि वो इस तरह भागे कि जैसे मैं मेरा अब उससे कोई तलक नहीं रहा। उसे डराया, वो भागी आम की तरफ, पौधे पर चढ़ी और वहां से होती हुई दीवार पर गई, और मैंने उसे दीवार पर फिर डराया ताकि वो अगले क्वार्टर की तरफ चली जाए और मेरे से वो तलब छोड़ दे, क्योंकि कराहती मुझे इतनी हुई थी। वो गायब हो गई। फिर एक दो दिन के बाद वो मुझे नजर आई, मगर मैंने उसे रिस्पॉन्स ना दिया बल्कि उसे डराया और वो चली गई। फिर 8-10 दिन के बाद वो मुझे नजर आई, दीवार पर से गुजर रही थी, मैं खाना खा रहा था, तो वो शायद दानिश्ता खाने के टाइम आती थी मेरे पास। तो बहुत भूखी, दुबली पतली, उसकी पसलियां अंदर को पेट जैसे धंसा हुआ है, बहुत नहीफो नजार फील हो रही थी। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैंने इसे खाना बंद कर दिया है, तो इस वजह से कमज़ोर होगी। पर मैंने तो अभी एक हफ्ता पहले स्टार्ट किया था, तो शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर ये मुझे फील हो गया कि उसे शदीद भूख है। अब जो क्वार्टर की दीवार है मुस्ततील की शक्ल में होती है, तो वो जो दरमियान वाली दीवार है उससे मुस्ततील जो मेरे दरवाजे को खुल जाती थी, तो वो दूर यानी वो बिल्ली खड़ी है और उससे काफ़ी दूर दूसरी दीवार पर मैंने रोटी का एक टुकड़ा रखा ताकि मैं उसकी टच से, उसकी कुर्बत से दूर रहूं। मैंने जब रोटी का दूर एक टुकड़ा रखा तो वो खड़ी हुई वेट कर रही थी कि मैं रोटी का वहाँ टुकड़ा रखूं। तो वो जब मैं पीछे हटा तो वो भाग कर टुकड़े की तरफ लपकी इतनी बेचैनी से कि वो बजाय उसके एक दीवार के साथ साथ चलती हुई और वो मोड़ काट कर दूसरी दीवार पर आती, उसने दरमियान से जंप लिया और दूसरी दीवार पर चली गई। यानी इतनी उसे शदीद भूख थी। और दरमियान में मैंने मतलब वो इस मंजर को देखकर मुझे एहसास गुनाह भी हुआ कि यार ऐसा जानवर जिसे खुराक ही नहीं मिल रही है, तो मैंने उसे भगा दिया और उसका मतलब केयर नहीं की है सिर्फ इस वजह से कि उसकी स्किन इरप्शंस है। अब ये मेरा मिला जुला एहसास, एक ये खुशी का कि चलो उसे रोटी मिल गई, दूसरा ये गुनाह का एहसास कि यार मैं उसका ख्याल नहीं कर रहा। अब मैं उसे देख रहा हूँ और साथ साथ पीछे हट रहा हूँ, उसने लपकते हुए उस रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में लिया जैसे सदियों की भूखी है, इस तरह बेचैनी से उसने अपने मुंह में डाला। और डालते ही उसने 2-3 बार यानी जल्दी जल्दी ने उसे चबाने की कोशिश की, और अगले ही लम्हे जैसे मेरी जान निकल जाती है ये मंजर देखकर कि उसने रोटी को चबाया दांतों से, मगर साथ ही ना यूं करके ना तो फेंक दिया, जैसे उसके दांत बहुत खट्टे हैं और वो अपने दांतों से उसको चबा भी नहीं सकती। और ये रोटी उसने फेंकने के बाद दोबारा उसको मुंह में लेने की कोशिश ही नहीं की, शायद उसे अंदाजा था कि मैं रोटी नहीं खा सकूंगी। उसने दीवार को क्रॉस किया, मेन जो दरमियान वाली दीवार थी क्वार्टर के उस पर आई और वो चलती गई मायूस होकर। उसने आवाज़ भी मायूसी वाली निकाल ली, रोटी उधर ही फेंकी हुई थी, और वो चलती जा रही है और मैं उसे गमज़दा होकर देखे जा रहा हूँ कि यार इस बेचारी के दांत इतने खट्टे हो गए हैं क्या वो कुछ खा ही नहीं सकती। मेरी नज़रें ही उससे नहीं हट रही हैं और वो दूर चलती जा रही है मेरे क्वार्टर की दीवार को क्रॉस किया अगले क्वार्टर में, और मेरी नज़रें उसका पीछा किए जा रही हैं। जब मेरी नज़रें उसका पीछा कर रही थी तो अचानक, और उसके दांत चूंकि खट्टे थे तो उसके मुंह और उस वो सारे मेरे मायने में थे कि मैं ध्यान से देखे जा रहा था कि उस बेचारी का क्या असर है। तो मेरी नज़र उसके मुंह से निकलने वाली राल पर पड़ी।
वो एक लंबे धागे की तरह ना टूटने वाली राल थी जो गिर रही थी उसके मुंह से, और वो आगे चलती जा रही थी और उसके राल जो है वो मुसलसल गिरती जा रही थी। दूर तक मैंने देखा कि वो राल उसके मुंह से वैसे ही गिर रही है, यानी कि कोई जहरीला मादा जिससे उसके दांत भी खट्टे हो चुके थे और कुछ खाने पीने के काबिल नहीं रही थी। जब ये मंजर मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब उस बेचारी का तो बुरा हाल है, वो तो कुछ खाने पीने के काबिल ही नहीं रही और उसकी स्किन जो है वो इतनी यानी इरप्टिड है और उससे ऊपर उसके मुंह और दांत जो है उसका ये असर हो गया है, उसके पता नहीं अंदर क्या ज़ख्म है जो बह रहे हैं, तो वो बेचारी तो बस अब खाने पीने के काबिल ही नहीं रही। अब वो जो राल गिर रही थी उसके मुआयना के लिए मैं थोड़ा सा दीवार के ऊपर हुआ, तो दीवार के ऊपर उस राल को मैंने देखने की कोशिश की। अब जब उस राल को देखा है तो वो गीली राल जो ताज़ा राल गिरी हुई थी उसको मैंने देखा तो वो लंबी दीवार पर पड़ी थी, और जब मैंने मज़ीद ध्यान से देखा तो उसके साथ खुश्क राल जो एक दिन पहले या दो दिन पहले या तीन दिन की थी उनकी अलग लाइनें साथ लगी हुई थी, लंबी लाइनें साथ लगी हुई थी। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इसकी राल जो है ये आज नहीं बल्कि दो चार दिनों से गिर रही है और इसके दांत खट्टे हो चुके हैं और ये खाने पीने के काबिल नहीं रही, इसीलिए ये इतनी वीक हो गई है। उसके बाद वो मुझे 8-10 दिन तक नज़र नहीं आई। यकीनन क्लियर है कि उसकी डेथ हो गई। अब मैंने ये सुन रखा था कि बिल्ली जो है वो खामोश जगह पर मरना पसंद करती है, तन्हाई की जगह पर मरना पसंद करती है, तो आसपास के क्वार्टर चूंकि आबाद थे तो मैंने यही सोचा कि मेरा क्वार्टर चूंकि बिल्कुल अकेला होता है, मैं अकेला ही होता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्वार्टर के किसी कमरे में या किसी कोने कुतरे में वो अपनी जान दे दे और वो जब उसकी जिस्म से स्मेल आनी शुरू हो जाए तब मुझे पता चले। तो मैंने एहतियातन अपने सारे क्वार्टर को जगह जगह चेक कर लिया कि कहीं उसकी डेथ मेरे कमरे में तो नहीं हुई, मगर मेरे क्वार्टर में उसकी डेथ नहीं हुई थी। एक दो दिन तो मुझे वो गम की हालत याद है कि मैं बड़ा रंजीदा रहा कि यार काश हम इस तरह के डॉक्टर होते कि हम इन जानवरों का इलाज भी कर सकते। अंग्रेज़ जो हैं वो तो इस तरह के जब उन्हें कोई जानवर मलता है तो वो उसका इलाज भी करते हैं, उसकी तीमारदारी भी करते हैं, मगर हमारे यहाँ ना ये रिवाज है ना ये इखलाकी जरूरत है कि हम उसका कोई हल करें। जब 8-10 दिन गुजर गए तो उसके बाद फिर वो मुझे नज़र आई और मेरे लिए ये एक अचंभे की बात थी, इंतहाई हैरत की बात थी कि वो ज़िंदा है। और जब इस बार वो नज़र मुझे नज़र आई है तो उसकी सारी स्किन से बाल गायब थे और जैसे सीमेंट ताज़ा किया हो तो उस तरह की सारी उसकी स्किन थी, रप्टिड वाइट वाइट पैचेस नज़र आ रहे थे और कहीं से रेशा जो है वो टपक रहा था, कहीं से रेशा जो है मुंदमिल हो चुका था, ज़ख्म जो है कुछ जगह पर ठीक हो चुके थे कुछ जगह पर ठीक नहीं हुए थे। तो इस हालत में बमा उसका चेहरा पूरी की पूरी स्किन इरप्टिड, मगर लग ऐसे रहा था कि जैसे उसके ज़ख्म जो है ना स्किन के वो मुंदमिल हो रहे हैं। एक दिन दो दिन वो गुजरती दीवार से, मैं अक्सर औकात उसके टाइम पर खाना जो है वो दीवार पर रख देता तो उस नीचे नहीं आई। शायद अब की बार उसके ना नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी इतना जंप लेने की, तो वो दीवार के ऊपर से गुजरती मुझे मतलब रोज़ाना नहीं बल्कि एक आध दिन छोड़ कर नज़र आती। कुछ दिनों के बाद उसके ज़ख्म जो हैं वो काफ़ी हद तक मुंदविल हो गए, फिर कुछ दिनों के बाद उसके हल्के हल्के बाल आना स्टार्ट हो गए, मज़ीद दिन गुजरते गए और उसके काले बाल बहाल होना शुरू हो गए, मज़ीद कुछ महीने और हफ्ते गुजरे तो उसकी सारी जिल्द दोबारा काले बालों से भर गई। और इस बार जो बाल आए थे अब वो ज़्यादातर ताज़ा और जवानी वाले जैसे बचपन में और जवानी में बाल होते हैं उस तरह के थे। मैं उस क्वार्टर में कोई 8-10 सालों से रह रहा था और मुझे अंदाज़ा था वो उससे तल्लक मेरा 8-10 सालों से ही था। वो जब बची थी तो तब हम उसे देख रहे थे कि वो हमारे नीचे वाले क्वार्टर से ऊपर वाले क्वार्टर पर भी जंप लेकर चली जाती थी, सारा दिन वो घूमती घुमाती थी, मगर अब जब बीमार हुई थी तो तब उसका मेरे से वास्ता पड़ा था, उससे पहले वास्ता नहीं पड़ा था कभी, क्योंकि हम फैमिली नहीं थे, कभी होटल से खाना कभी बैर से, तो ऐसा कभी होता था कि काम ही होता था कि हम खाना बनाएं उसे ऑफ़र करें, तो इसलिए ना कोई हमारे से उसकी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, मगर ये कि बाकी क्वार्टरों में वो खूब आती जाती थी घूमती घुमाती थी। अब चंद महीनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद यूँ समझ लें
कि उसके बाल दोबारा स्किन जो है दोबारा बालों से भर गई, फिर वो मजीद एक्टिव होती गई, फिर मैंने देखा कि वो क्वार्टर की दीवारों से ऊपर और नीचे आने लगी है, फिर मैंने देखा कि वो हमारे नीचे वाले क्वार्टर की दीवार से जंप लेकर ऊपर वाले क्वार्टर तक भी चली जाने लगी दोबारा, और ऐसे जैसे उसकी दोबारा जवानी लौट आई है और वो दोबारा तंदुरुस्त होगी। फिर मैं काफ़ी अरसे तक उसे देखता रहा तंदुरुस्त हो तवाना, मगर मुझे कुछ अरसे बाद मैं उस क्वार्टर से निकल गया। अब इस वाक्य में क्या है, ये वाक्य मैंने अपने मेरे टीचर हैं जो होम्योपैथी के, उनसे मैंने शेयर किया कि सर अब ये वाक्य मैंने इस तरह देखा है। तो कहते हैं ये तो सोरा है, सोरा जिस्म में जब दाखिल हो जाता है तो जिस्म की कंडीशन ऐसी हो जाती है, और जब सोरा खारिज हो जाता है तो फिर जिस्म दोबारा तंदुरुस्त होना हो जाता है। तो कहते हैं यार ये तो कुदरत ने जानवरों का खुद ही इलाज रखा है, पर बात ये है कि मैंने कहा कि फिर ये हम ऐसा इलाज खुद क्यों नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि हमने अपने जिस्मों को गलत आदतें डालनी हैं, जब फोड़ा फिंसी हमें निकलता है तो हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं, हम उसको मुदमिल करने की कोशिश करते हैं, हम उस पर मरहम लगा लेते हैं, हालांकि ये फोड़ा फिंसी वो जो गंद है वो जो जहर है हमारे जिस्म का वो निकालने के लिए होता है। फिर मैंने कहा कि उसके दांत जो इतने खट्टे हो गए थे, कहते बिल्कुल जब उसके दांत खट्टे हुए थे तो उसने नेचर को फॉलो करते हुए खाने की कोशिश ज़रूर की, मगर नेचर को फॉलो करते हुए उसने खाया नहीं बल्कि फेंक दिया। जबकि हमारे दांत जब खट्टे होते हैं तो हम खाते हैं, अगर सॉलिड नहीं खा रहे तो हम कहते हैं जी लिक्विड ले लो, और अगर लिक्विड नहीं जा रहा तो हम कहते हैं जी किसी और तरीके से इनटेक कर लें, मतलब इंट्रावीनस या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं। तो हमारा ख्याल होता है कि हम मर जाएंगे भूखे खाने के बगैर, मगर वो जानवर वो कितने दिनों भूखी रही, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो जो है वो उससे शिफायाबी होगी। अब मैंने कहा कि उसने खाया पिया क्यों नहीं है, खाने पीने खाने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सोरा था उसकी स्किन से भी टपक रहा था, उसके मुंह से भी टपक रहा था, अब अगर वो खाती हाजमे का अमल होता, खुराक जो है वो जज्ब होती, और वो सोरा खुराक जब वो खाती तो खुराक जज्ब होती उसके ब्लड में, और उसके साथ सोरा भी अंदर दाखिल हो जाता और सोरा का इखराज रुक जाता। तो कुदरत ने जब उसके दांत खट्टे किए तो उसने खाना बंद कर दिया, कुदरत ने जब उसकी इरप्शन निकाली तो उसने उसको फॉलो किया और उनके ऊपर मरहम नहीं लगाया, और यूं चंद दिनों के बाद जब उसकी बॉडी से सारा सोरा निकल गया, सारी जहर निकल गई, तो उसके बाद वो तंदुरुस्त होगी, उसके ज़ख्म बगैर किसी मरहम के, बगैर किसी इंजेक्शन के, बगैर किसी मेडिसिन के दोबारा ठीक हो गए, और जब ज़ख्म ठीक हुए तो दोबारा उसकी स्किन दोबारा से तरोताज़ा होगी और उस पर बाल भी आ गए, और बाल भी तंदुरुस्त और खूबसूरत है जवानी वाले, और कुछ अरसे बाद उसकी दोबारा से जवानी बहाल हो गई। तो ये एक बूढ़ी बिल्ली जो बीमार हुई उसका वाक्या मैंने आपको सुनाया है, और दोबारा से वो जवान हुई। सेम अगर नेचर को हम फॉलो करें बगैर किसी दवाई के, हम भी ठीक हो सकते हैं, और शायद चूँकि इंसान जो है ये एक बेटर एनिमल है तो उनसे भी ज़्यादा इसमें मुज़ाहमत है, उनसे भी उन जानवरों से ज़्यादा इसमें कुदरती कुव्वत हो सकती है, पर अगर हम अपने जिस्मों को सही तौर पर काम करने का मौका दें। मसला यही है कि नेचर जो करना चाहती है हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और अपने अंदाज से, यानी पहले तो हमने अपना रहन सहन बिगाड़ा, अपना खाना पीना बिगाड़ा, अपने तौर अतवार सारे के सारे बदल दिए, जहरीली खुराकें खा रहे हैं, जहरीली सोच सोच रहे हैं, और फिर जब नेचर हमें इंडिकेट करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉन्सिल जब स्वेल होते हैं, मुंह खट्टा होता है, दांत खट्टे होते हैं, तो ये हमारे लिए इशारा होता है कि हम ना खाएं, मगर हम फिर भी खा रहे होते हैं। जब हमारे मुंह से राल टपक रही होती है, जिसको टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं या सोर थ्रॉट हो जाता है, तो उसके मुंह से राल टपक रही होती है, तो हम उस राल को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके लिए तरह तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं। जब हमें मोशन लगते हैं तो बजाय इसके कि हम वेट करें और बॉडी को हील अप होने का मौका दें, या हम जब इरप्शन होती हैं तो बजाय इसके कि हम वेट करें और बॉडी को हील अप होने का मौका दें, हम उस सारे नेचुरल अमल को डिस्टर्ब कर देते हैं,
और यूं कुदरती शफा याबी के अमल से हम महरूम हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे छोटे छोटे मसाइल बड़े होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम नाकाबले इलाज और नाकाबले हल मसाइल का हम मजमुआ बनते जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि सोरा जो हमारी जिस्मों में जहर है, जो हमारी बीमारियों का बायस है, उसको निकलने का मौका दिया जाए। जब ये चीज़ मैंने अपनी आंखों देखी, एक बूढ़ी बिल्ली बीमार को मैंने तंदुरुस्त और जवान होते देखा, तो उसके बाद से मैं सोरा के इस तरह निकलने का हामी हुआ और फिर मैंने इस तरह जोड़ों के दर्द के और स्किन के प्रॉब्लम के तकरीबन आलमोस्ट सारे पेशेंट, अल्लाह का शुक्र है, जो पेशेंट मेरे पास आता है उसे ये वाकया मैं सुनाता हूँ और इस तरह के और वाकयात नेचुरल जो कुदरत इलाज करती है वो समझाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि अपनी बॉडी को मौका दो कि आपकी बॉडी कुदरती तौर पर ठीक हो जाए। और मेरे स्किन के तकरीबन सारे केसेस जो बहुत पुराने भी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऐसे पेशेंट्स के डॉक्टर को यकीन है, डॉक्टर को यकीन है कि पेशेंट इस तरह ठीक हो जाता है। जब डॉक्टर को ही यकीन नहीं होता कि मेरा पेशेंट इस तरह ठीक होगा, तो पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या गलत रास्ते पर, और पेशेंट कुछ अरसे बाद अपना इलाज छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। माय फ्रेंड्स, लेट द नेचर शुड गाइड यू। अगर आपको नेचर गाइड करती है तो उसकी रहनुमाई लें, अपने पेशेंट्स को वैसे ठीक करें। और अगर आप आम कारीन हैं, आप सामीन हैं मेरी वीडियोस के, तो इस चीज़ को जहन में रखें कि हमारे बॉडी में इतनी कुवत है कि बहुत सारे मसाइल, यानी ये जो मैंने बिल्ली वाला वाक्य सुनाया, ये तो यूं समझें कि अगर प्रैक्टिकली एक इंसान के साथ होता तो हम शायद उसे कैंसर तक का मतलब लफ्ज़ यूज़ कर लेते, मगर वो ठीक हुई क्योंकि उसने नेचर को फॉलो किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।